दहगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंतर्गत कार्यरत आशा वर्कर की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने से आखिरकार बुधवार की सुबह पार्श्विंड स्थित गांधी चौक में पीड़ित आशा वर्करों ने भूख हड़ताल करने का कदम उठाया है। यहाँ के गढ़ प्रवर्तक इन आशा वर्करों का मानदेय रुकना, सुरक्षा किट मुहैया नहीं कर पाना, बार बार इन आशा वर्कर को अपमानित करना, बाहरी व्यक्ति द्वारा नौकरी से निकालने की धमकी देना, मीटिंग में थोड़ा देर होने पर गेट के बाहर खड़े रखना और अन्य समस्या होते हुए भी आशा वर्कर अपने काम के प्रति निपटा से कार्य करी थी, पर समूह प्रवर्तक के रवैये से परेशान होने से मानसिक तनाव में काम करी थी। जब समूह प्रवर्तक के रवैये से परेशान इन आशा वर्करों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को इसकी लिखित शिकायत की, फिर भी अधिकारियों ने आशा वर्कर की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, न ही समूह प्रवर्तक के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी वजह से यहां की आशा वर्कर मानसिक रूप से परेशान में काम कर रही थी। जब स्थानीय अधिकारियों द्वारा समूह प्रवर्तक के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने से आखिरकार आशा वर्कर ने जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि बर्वे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पालक मंत्री नितिन राउत, जिलाधिकारी को इस मामले की शिकायत की थी, पर वहां से भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलने से आखिरकार यहां की पीड़ित आशा वर्कर ने भूख हड़ताल अनशन करने का फैसला लिया और फिर बुधवार से पार्श्विनी के गांधी चौक में भूख हड़ताल अनशन शुरू किया गया, जहां आशा वर्कर सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक यहां के समूह प्रवर्तक का तबादला नहीं किया जाता तब तक अनशन जारी रखने की बात पीड़ित आशा वर्कर ने कही। आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आम्ही आमच्या माहिती लेटरने दिली, त्यांना माहिती देण्यासाठी आम्ही 4 महिने त्यांना टाइम दिला, 4 महिने टाइम देऊन भी त्यांनी आमचे याच्यावर लक्ष दिले नाही, विचार केला नाही, आमच्या विचारण्याचा म्हणजे उद्दिष्ट त्यांचं कधीच ठेवलं नाही, त्यांनी काय यांना बैठक घेऊन सांगू का असं काही सांगलं। आणि दुसरी गोष्ट, आम्ही जेव्हा त्यांना आमच्या मागण्या मागितल्या का आम्हाला कोरोना काळात आम्हाला सॅनिटायझर आणि सुरक्षा किट पाहिजे बा, सुरक्षा किटासाठी आम्ही जेव्हा म्हटलं का आम्हाला जोपर्यंत सुरक्षा किट येत नाही तोपर्यंत आम्ही काम करत नाही, तर आम्हाला एमओ मॅडमनी आमच्यावर लेटर पाठवले, लेटर पाठवून त्या लेटरचा आम्हाला समक्ष त्यांनी उत्तर द्यावा, तात्काळ उत्तर द्या म्हणून असं त्यांना आम्हाला लेटर पाठवलं। आम्ही त्या लेटरचा विचार करत राहिलो आणि पण तरी आम्ही कामाला लागलो, तर आम्हाला ग्लोव्ज, हाताचे ग्लोव्जसुद्धा नाही, सॅनिटायझर नाही, दुसरी गोष्ट आम्हाला पैसे आमचे जे टाकायचे आहे कामाचे ते पैसे बरोबर टाकत नाही, पैशांची माहिती विचारली तर त्या म्हणतात का तुम्ही आमच्या कोण, आम्हाला आमचे अधिकारी विचारते, तुम्ही आम्हाला विचारू शकत नाही ह्या शब्दात त्या बोलतात। दुसरी गोष्ट, ते जेव्हा आम्ही वार्डात आमच्याकडे त्या कधीही गट प्रवर्तक आमच्या वार्डात घुमल्या नाही, गृहभेट दिलेली नाही, तरी त्यांचा पगार काढतात आणि आम्ही इथल्या रात्रदिवस भेटी देऊनसुद्धा आमच्या कामाची पडताळणी झाल्याशिवाय पैसे टाकणार नाही ह्या शब्दात बोलतात आणि पडताळणी करतही नाही आणि पैसेही टाकत नाही। तिसरी गोष्ट अशी आहे की मानसिक आर्थिक त्रास हा आम्ही सहन करत करत 4 महिने आलो। आमच्या वैद्यकीय अधिकारी, तालुका अधिकारी जे सर आहे आमचे वाघ सर, यांना आम्ही 4-5 वेळा म्हणजे प्रत्येक महिन्याला आम्ही विनंती केली, त्यांना सांगितलं का सर आमच्या काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण करा। दुसरी गोष्ट, आम्हाला ज्या आशा वर्क गटप्रवर्तक शिल्पा बांगडकर आहे हा खूपच त्रास देत असतात, प्रत्येक गोष्टीत मानसिक त्रास देतात, वार्डात येऊन आम्हाला आमच्या विरुद्ध लोकांना भडकवतात असतात। पीडित आशा वर्करों ने शिकायत में कहा है कि हम कोरोना मरीज लेखा जोखा रखने का काम करते हैं, हमें कोरोना मरीज के ऑक्सीमीटर की ऑक्सीजन की जांच करनी पड़ती है, पर हमें यह जांच करने के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा किट समूह प्रवर्तक ने नहीं दी है, जिसकी वजह से हमें भी कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा भी है, वहीं परिवार के लोगों को भी इस बीमारी की लागण हो सकती है। हम हमारी जान दांव पर रखकर कोरोना मरीज की सेवा कर रहे हैं, पर हमारे लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम समूह प्रवर्तक की ओर से आशा वर्कर के लिए नहीं किया जाता, कार्य करने के बाद भी मिलने वाला मानधन भी बेवजह रोका गया है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव में कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए हो रहे अन्याय के खिलाफ शिकायत की, पर समूह प्रवर्तक पर कार्यवाही नहीं होने से आखिरकार भूख हड़ताल अनशन करना पड़ रहा है। अनशन पर बैठी पीड़ित आशा वर्कर महिला से आरोग्य विभाग की ओर से कोई भी अधिकारी मिलने नहीं पहुंचा, न ही उनकी मांगों को लेकर गंभीर भी दिखा। वही अनशनकारी महिलाओं को पुलिस विभाग की ओर से किसी प्रकार की सहयोग जैसे सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी महिला सिपाही को तैनात नहीं किया गया था। यहाँ पर अनशन करने की अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा मुहैया नहीं की गई है। बीसीएन न्यूज के लिए पार्श्विनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।
आहे।